Assalamu alaikum, guys. I want you to read this. She needs to work upon her physique first. But best way of marketing of their gym with her to attract simple people of Islamabad. So, ye comment humne aapke saath share isliye kiya. Just to show you ki you're not the only one. It's happening with all of us. There are people on the internet or real life mein bhi jo bas negative comments dete hain. So, hame aur concern hai. Concern ye hai ki hame page pe bahut se log likhte hain ki mera jo फेस है वो मोटा है, मैंने उसको पतला करना है, मेरी हाइट छोटी है, मैं उसको कैसे बढ़ाऊं. और जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उनकी बॉडी शेमिंग की, किसी ने उनको नेगेटिव कमेंट्स दिए और उसकी वजह से अब उनको ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं बिल्ड हो गए हैं और इस वजह से वो अब उसमें वो जो है दे आर सफरिंग. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज देयर विल बी पीपल लाइक दिस ऑल द टाइम. आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, आपको रियल लाइफ में मिलेंगे जो आपको इस तरह के नेगेटिव कॉमेंट्स देंगे. हमने इस चीज़ को दिमाग में ही रखनी है कि जब भी कोई बात करता है, कुछ लिखता है, तो वो एक्चुअली उस इंसान के दिल दिमाग की अक्कासी करता है, उसके लफ्ज़, उसका बोलचाल, उसका बिहेवियर, उसके कमेंट्स. सो उसके अंदर क्या चल रहा है वो बताता है. सो व्हेन समबडी लीव्स लव, दैट मींस दे आर इन अ गुड स्पेस, दे आर इन अ नाइस स्पेस. और जब कोई हेट जो है एग्जिबिट करता है और नेगेटिव कमेंट्स लिखता है किसी के भी फीड पर, या कोई रियल लाइफ में भी आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स देता है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, दैट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद देम. और इंस्टेड कि हम उनकी नेगेटिव बातों का असर लें, वी नीड टू फील सॉरी अबाउट देम बिकॉज दे आर इन अ वेरी सैड स्पेस. सो राइट टू अस इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर द गुड वर्ड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.